हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, अपने लिए ही किया है और खुद के लिए जिया भी है। सही कह रहा हूं? हरे कृष्ण। एक बार एक पुत्र ने अपनी माता से यही पूछा कि मां, मैं जब भी देखता हूं तुम जब भी खाना बनाती हो कुछ हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ देती हो, जब भी कुछ धन कमा के लाती हो कुछ हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? तो मां ने कहा, बेटा इसका उत्तर तुझे भगवान दे सकते हैं, भगवान की खोज में निकल, उन्हीं से पूछ लियो। ये निकल पड़ा भगवान की खोज में। जब वहां के राजा को पता लगा कि एक बालक भगवान की खोज में निकला है, तो राजा ने आके उससे पूछा। राजा ने कहा, तुम भगवान के लिए और भगवान के पास जा रहे हो? तो इस बालक ने कहा, जी राजन। तो राजा ने कहा, एक मेरा भी सवाल है, पूछाना, मेरे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही? सारे कुएं खाली हैं, सारे कैनाल्स खाली हैं, पूछाना। इसने बोला, जी राजन। कुछ ही दूर आगे गया तो इसको एक सांप एक बिल में फंसा हुआ दिखा और सांप ने बिल से कहा, हे लड़के तुम कहां जा रहे हो? इस लड़के ने कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूं, कुछ प्रश्न है पूछने जा रहा हूं। तो इस सांप ने कहा, तो फिर एक प्रश्न मेरा भी पूछाना कि मैं इस बिल में कब तक फंसा रहूंगा, निकल नहीं पा रहा। बोला, मैं पूछ लूंगा। थोड़ी देर आगे गया तो एक वृक्ष, विशाल वृक्ष, वृक्ष को देखा और सोचा थोड़ा बैठ जाता हूं। वृक्ष के पास बैठा ही था कि वृक्ष ने उससे पूछ लिया कि हे बालक कहां जा रहे हो? तो इसने कहा, मैं भगवान से प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तो वृक्ष ने कहा, मेरा भी प्रश्न है, मेरे में कभी आज तक फल नहीं लगे, भगवान से पूछना ऐसा क्यों? बोला, पूछ लूंगा। यही सोचते सोचते आगे जा रहा था कि इसको एक पैरों से अपंग व्यक्ति मिला और उस अपंग व्यक्ति की हालत देख के ये उसके पास बैठ गया। उस अपंग व्यक्ति ने कहा, हे बालक तुम कहां जा रहे हो? इसने वही उत्तर दिया कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, कुछ प्रश्न है वो पूछने जा रहा। तो इस अपंग व्यक्ति ने कहा, मेरा भी प्रश्न पूछ लेना कि मैं कब तक अपंग रहूंगा। ये बालक दृढ़ विश्वास लिए चलता 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 मेहनत करता हुआ पहुंच गया भगवान के पास और भगवान से इन समस्त प्रश्नों के उत्तर पूछने लगा। इन प्रश्नों में अपना प्रश्न तो वो भूल ही गया, केवल इन्हीं के प्रश्न पूछ लिए। भगवान ने कहा, ये जो अपंग व्यक्ति है इसके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन ये किसी को देता नहीं। इसको जाके कहना ये ज्ञान बांट दे, ठीक हो जाएगा। उस सांप को कहना कि उसके सर में एक मणि है, वो उसको दे दे, बिल से बाहर हो जाएगा। उस पेड़ को कहना कि उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ है, उसको बांट दे, फल लगने लगेंगे। और उस राजा को कहना कि उसकी जो बेटी है उसको दे दे, ही इज वेरी पजेसिव अबाउट दैट गर्ल, उसको विवाह में दे दे, उसके यहां बारिश होने लगेगी। भगवान को धन्यवाद करता हुआ ये लड़का वापस आया और वापस आया तो सबसे पहले इस व्यक्ति से मिला और उसको बोला, भाई तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, उसको बांट दीजिए, आप ठीक हो जाओगे। ये भगवान ने उत्तर दिया है।
तो इस बालक का ये उत्तर सुन के उस व्यक्ति ने इसी बालक को ही सारा ज्ञान दे दिया। फिर ये आगे जाके पेड़ के पास आया और पेड़ को बोला कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारी जड़ों में खजाना है, उसको दे दो तो तुम्हारे फल लगने लगेंगे। तो इस पेड़ ने वो सारा खजाना इसी बच्चे को दे दिया। आगे जाके सांप से कहता है कि तुम्हारे पास जो मणि है ये दे दो, किसी को भी, तुम इस बिल से बाहर आ जाओ। सांप ने ये मणि इसी को दे दी और राजा के पास आके कहता है जो आपकी बेटी है उसका विवाह कर दो, ठीक हो जाओगे, बारिश होने लगेगी। राजा ने अपनी कन्या की शादी इसी से कर दी और अब ये सोचता हुआ बुद्धिमान, धनवान और एक बीवी को लेता हुआ जब घर पहुंचा तो मां के चरणों में गिर गया और मां को कहता है, मां मुझे जवाब मिल गया, क्यों आप हमेशा दूसरों के लिए करती थी, क्यों आप अपने धन का, अपने भोजन का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए रखती थी, मुझे जवाब मिल गया। क्या आपको भी जवाब मिल गया? हमेशा अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए कुछ करने लग जाएंगे तो सब कुछ आपको स्वयं मिल जाएगा। दिस इज द सीक्रेट। ध्यान रखिए। हरे कृष्ण।